वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमने कल नई यूनिट स्टार्ट की थी ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें हमने रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे सेल की। किसकी? सेल की बात करेंगे, है ना, बैटरी वाला जो सेल रहता है, जो बैटरी रहती है उसकी बात करेंगे। देखो जो सेल है ना, इसमें हमेशा मुझे कन्फ्यूजन रहा है, कन्फ्यूजन केमिस्ट्री में नहीं रहा। इस सेल को हर जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, कहीं इसको कोशिका बोल दिया, कहीं इसको बैटरी वाला सेल बोल दिया, कहीं इसको जेल भी बोल देते हैं, कहीं इसको सेल करना भी बोल देते हैं। केमिस्ट्री में अलग मतलब, फिजिक्स में अलग मतलब, बायो में अलग मतलब, है ना, एक ही शब्द है ये। फिर भी हम इसको देखना है, आप समझ गए होगे मैं कौन से वाले सेल की बात कर रहा हूँ। इतने तो आप समझदार हो केमिस्ट्री के हो, तो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँगा मैं सेल की, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये सेल होता क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। कल मैंने आपको इलेक्ट्रोडों के बारे में बताया था, ठीक है, कल मैंने इलेक्ट्रोडों के बारे में बताया था। तो आज हम क्या करते हैं, सेल के बारे में बात करते हैं। अगर हम दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड, दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों को, भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड, अलग अलग दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, जो हमने बात की थी कल, अलग अलग दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जिनका इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग हो, दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड विभवों वाली इलेक्ट्रोडों को, हमने दो इलेक्ट्रोड ले ली, ठीक है, ध्यान से सुनना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, दो इलेक्ट्रोड ले ली जिनका पोटेंशियल, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए, समान होगा तो वहाँ पे किसी में भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड लेनी है हमको, ठीक है, जैसे हम सेल बनाते हैं ना, सेल बनाते हैं तो दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो दो इलेक्ट्रोड लेनी है और जिनका इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, को जोड़ देते हैं। तो उनको जोड़ने से हमारे पास जो व्यवस्था प्राप्त होती है ना, अरेंजमेंट होता है, प्राप्त व्यवस्था सेल कहलाती है, ठीक है। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है, उनको हमने क्या है, जोड़ दिया, उनको हमने क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। जैसे आपने सेलों में देखा होगा ना, इस तरीके से जुड़े रहते हैं, हमने उन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने से हमारे पास जो व्यवस्था प्राप्त हो रही है, अरेंजमेंट दिख रहा है हमको पूरा का पूरा, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसके बारे में ही हमें आज डिस्कस करनी है, ठीक है। देखो हमारे पास दो सेल हैं, जैसे हमने एक सेल तो एक ही है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोड दो हैं, दो इलेक्ट्रोड हैं। अब देखो इन दोनों पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा इन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो इनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, विभव का अंतर है, उसे हम क्या कहते हैं, EMF कहते हैं, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत को प्रवाहित करने वाला, ठीक है। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है जिनको हम जोड़ रहे हैं, जिनका इलेक्ट्रोड विभव अलग है, जोड़ने के बाद जो हमको सेटअप दिख रहा है, व्यवस्था दिख रही है, उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है।
उन दोनों सेल कहते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, विभव का अंतर है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये क्या काम करता है, इस बल के कारण क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। देखो, विद्युत वाहित होती है, इलेक्ट्रिसिटी है ना वो फ्लो होती है। इस बल के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, कहां से कहां होता है, इस बल के कारण विद्युत का प्रवाह उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड से, उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड से निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। तरफ होता है, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेल की बात चल रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एक मिनट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे आगे क्या है, इसकी जो इकाई है किसकी, विद्युत वाहक बल की, क्या होती है बच्चा, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, अब चलो एक सेल बनाते हैं। ठीक है, सेल बनाते हैं, तो मैंने क्या किया, जिंक व कॉपर के अर्ध सेल ले लिए, हाफ सेल ले लिए, को जोड़ दे तो। ठीक है, मैंने क्या किया, जिंक का सेल ले लिया आधा, आधा मतलब को जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, बनाते हैं। मैंने एक जिंक की छड़ ले ली और मैंने कॉपर की छड़ ले ली। ठीक है, जिंक को मैंने किस में डुबोया हुआ है, जिंक के आयनों में डुबोया हुआ है, और कॉपर को मैंने किस में डुबोया हुआ है, कॉपर के आयनों में डुबोया हुआ है। अब मैंने जिंक और कॉपर को आपस में क्या मिला दिया, आपस में क्या है, जोड़ दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास सेल बन गया उसको हम क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनिक सेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चा, गैल्वेनिक सेल हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, देखो जिस इलेक्ट्रोड के ध्यान से सुनना, जिस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, ज्यादा ऋणात्मक होगा, विभव का मान क्या होगा, उच्च ऋणात्मक होगा, उच्च ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, उसे बाएं हाथ की तरफ रखते हैं। सेल में जब हम सेल बनाएंगे ना, एक दाया एक बाया है ना, एक दाई तरफ एक बाई तरफ, वैसे हमारे पास सेल का कोई काम है नहीं इस यूनिट में। ठीक है, लेकिन आगे चलने के लिए आपको ये बेसिक जानना जरूरी है, इसके बिना आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च ऋणात्मक होगा उसे बाएं हाथ की तरफ रखते हैं। कहाँ रखते हैं बच्चा, बाएं हाथ की तरफ रखते हैं। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च ऋणात्मक होगा उसे हम बाएं हाथ की तरफ रखते हैं, या बाएं हाथ का अर्ध सेल मानते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, इसको मैं मिटा देता हूँ ना, पूरा बोर्ड भर गया। समझ में आ रहा है, दोनों तरफ से समझा रहा हूं मैं इंग्लिश में, तो अब क्या लिखूं। अब देखो इस सेल में निम्न अभिक्रिया होती है, जो मैंने अभी आपको सेल बताया ना, कौन सा,
जिंक वाला, कॉपर वाला, उनमें कौन कौन सी अभिक्रिया होती है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस सेल में निम्न अभिक्रिया होती है, देयर आर फॉलोइंग रिएक्शन इन दिस सेल। ठीक है, कौन कौन सी अभिक्रिया होती है? पहले तो जो हम बताते हैं जिंक इलेक्ट्रोड पर, किस पे? जिंक इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? देखो, जिंक इलेक्ट्रोड पर आपने देख भी रखा होगा, जैसे जिंक है वो अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और जिंक 2+ में बदल जाता है। ठीक है, जिंक 2+ में बदल जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो इसका विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, -0.6 है ना वोल्ट। ये इसका क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, कॉपर। कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है, कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है उस पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, कॉपर +2 होता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं और ऐड होने के बाद क्या बनता है, कॉपर बनता है। ये अभिक्रिया तो हमारे पास कहाँ होती है, जिंक वाली इलेक्ट्रोड पे। ये हमारे पास कहाँ होती है, कॉपर वाली पे। देखो आगे हम बात करेंगे किस प्रकार अभिक्रिया हो रही है। ये कोई नई रिएक्शन नहीं है, आपने देखी हुई होगी, है ना, आगे और भी डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है, इसका जो EMF होता है, विद्युत वाहक बल होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कितना होता है, 0.34 वोल्ट। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से आप ये लगा लीजिए, ये इसका ये इसका विभव है, ये इसका पोटेंशियल है। किसका, जिंक का पोटेंशियल है, जिंक वाली इलेक्ट्रोड का। ये हमारे पास किसका है, कॉपर वाली इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों जो इलेक्ट्रोड होगी उनका जो डिफरेंस होगा, उनका जो अंतर होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, सेल का, पूरे सेल का EMF, सेल का EMF, विद्युत वाहक बल। तो मैंने क्या बताया था, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। तो यहां पे क्या करेंगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिसका मान ज्यादा ऋणात्मक होगा उसे बाएं हाथ पे रखेंगे, जिसका मान ज्यादा ऋणात्मक होगा उसे बाएं हाथ पे रखेंगे। तो ज्यादा ऋणात्मक किसका हुआ, इसका हुआ -0.76। तो पहले हमको किसको रखना चाहिए, 0.34, इसके बाद -0.76। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा, EMF आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, किसी सेल का, गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल हमने निकाल लिया। ठीक है, इसको हम मिटा दें। अभी आगे और बात करते हैं हम। ठीक है, देखो हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड से संबंधित, देखो जिंक इलेक्ट्रोड से रिलेटेड या संबंधित जो विभव होता है, उस पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, और कॉपर इलेक्ट्रोड से संबंधित विभव है उसे हम क्या कहते हैं। देखो हमारे पास जो जिंक इलेक्ट्रोड से संबंधित विभव है ना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। क्या कहते हैं बच्चा, ऑक्सीकरण विभव। और जो हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड से संबंधित विभव है उसे हम कहते हैं अपचयन विभव। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी बात और कर लेते हैं इसमें। देखो दो तीन पॉइंट और देख लेते हैं, मोस्ट जो आपको आगे भी काम में आएंगे यूनिट में। ठीक है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। देखो किसी इलेक्ट्रोड के लिए,
किसी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है का मान जितना उच्च ऋणात्मक होगा, समझने की कोशिश करना, जितना हायर नेगेटिव होगा उच्च ऋणात्मक होगा वह धातु या इलेक्ट्रोड उतनी ही प्रबल रिडक्टेंट होगी, रिडक्टेंट होता ना, उतनी ही स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होगी, प्रबल अपचायक होगी, है ना, प्रबल अपचायक या दुर्बल ऑक्सीकारक, उल्टा हो जाता है ना, तो प्रबल अपचायक और दुर्बल ऑक्सीकारक, ठीक है। और इसके विपरीत इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू का मान जितना धनात्मक होगा वह उतनी ही क्या होगी, ये प्रबल है, ऋणात्मक में हमारे पास क्या है, प्रबल है, तो जहां पे क्या होगा, यहां पे दुर्बल अपचायक होगी, वीक रिडक्टेंट, ठीक है, तो यहां पे क्या होगी, उतनी ही दुर्बल अपचायक होगी, ठीक है, उतनी ही दुर्बल अपचायक होगी। दुर्बल अपचायक या फिर प्रबल ऑक्सीकारक, है ना, जब कोई चीज, जब ऑक्सीकारक प्रबल होगा तो वो दुर्बल की तरह काम करेगा ना, दुर्बल अपचायक की तरह, उल्टा होता है ना, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, सेल की बात हो गई। देखो कोई भी चीज अपचायक है या ऑक्सीकारक है वो कैसे निकालते हैं हम, वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं, ठीक है, जिसको हम मानक रेडॉक्स विभव भी कह रहे थे, है ना, स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल कह रहे थे, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास आज किसकी बात हो गई, सेल की बात हो गई, ठीक है, तो ये यूनिट चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो इसमें से कोई भी पॉइंट, की पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो वो बता देना, है ना, क्योंकि ये यूनिट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये बिना समझाए आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हुई है। ऑक्सीकरण अपचयन तो पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट आएंगे वो आपने कभी नहीं पढ़े, बाकी के यूनिटों के तो आपने पढ़े हुए हैं पहले से, डी ब्लॉक पढ़ी हुई है, एफ ब्लॉक पढ़ी हुई है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ा हुआ है, साथ में एसिड और बेस पढ़ा हुआ है, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।